آله وصحبه وخضاله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف سورة कुछ तारुफ हो चुका है और मैंने कुछ बातें आपको बताई थी लेकिन इस सूरत का एक जो बड़ा आ, नुमाया पहलू है वो तरगीब अल आखिरा है और तजहीद फिर दुनिया है आ, दुनिया परस्ती और दुनिया की ज़ीनत दुनिया की चमक दमक मटीरियलज़म और आ, मादा परस्ती ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों का रद इस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा है और शायद यही वजह है जो इस सूरत की मुनासबत दजाल के फितने के साथ और एंड टाइम्स के फितनों के साथ है उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है तो ये इस सूरत के अंदर आगे बात आएगी बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तजहीद फिर दुनिया का सबक जो है वो पढ़ाएंगे तजहीद फिर दुनिया दुनिया में बेरगबती वकदालिक बाअथनाहुम लियतसाअलू बैनहुम और इसी तरह हमने उनको जगा दिया लिया तसा अलूबीना हूं ताकि वो आपस में सवाल कर लें एक दूसरे से कौल का इमिन उनमें से एक ग्रोह ने कहा कम लबिस्तुम यानी कि कम यौमन लबिस्तुम कितनी देर तुम रहे हो इस इस गार में कौलू लबिसना यौमन औ बाज़ा यूम एक ग्रोह ने अब जवाब दिया कि लबिसना यौमन अव बाज़ा यूम हम एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा इस गार में रहे हैं लेकिन दूसरे ग्रोह ने कहा कौलू रब आलम बिमालबिस तुम ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कितनी देर तुम रहे हो लग नहीं रहा के एक दिन या दिन का बाज़ हिस्सा रहे हैं फू अहद कुम बिवरी़ी कुम हाजी ही पस भेज दो तुम अपने में से एक को बिवरी़ी कुम हाजी ही अपने इस चांदी के सिक्के के साथ सिक्कों के साथ मदीनती शहर की तरफ फल यंजूर चाहिए कि वो देख ले आई हा यानी कि अयू अफराद मदीनती शहर के अफराद में से कौन है कि अजका तोआन ज्यादा पाकिज़ा खाने के अतबार से यानी कि किसकी खुराक किसके पास जो गोश्त है जिसके किसके पास जो खाना है वो ज़्यादा पाक है कहीं किसी गैर-अल्लाह के नाम पर जिबा हुए हुए जानवर का गोश्त ना ले आना या कोई नजस और फलीत जो है वो आ, खाने की चीज़ ना ले आना फलियनजुर चाहिए कि अच्छी तरह देख ले अजगा यानी कि अयु अफरादिलमदी मदीनती शहर के अफराद में से कौन है जो खाना जिसका ज्यादा पाकिज़ा है फलिया तिकुम बस उसे चाहिए कि वो ले आए ये जाने वाला चाहिए कि वो ले आए बिरज़िम मिन हूँ बिरज़िम मिन हूँ खाना खाने का सामान उससे चाहिए कि वो खाने का सामान उससे ले आए बल या तल और ये जरा नरमी से काम ले नरमी से काम ले किसी के साथ इस तरह का मामला ना करे कि हमारा जो मामला है वो खुल जाए अभी ये यही समझ रहे हैं कि अभी हम सोकर उठे हैं बाकी अभी शहर के अंदर वही जहर है कि इनको नहीं पता अभी कि हम इतनी देर के बाद उठे हैं तीन सौ नौ साल गुजर चुके हैं अच्छा पीछे आपको शायद याद हो सूर्य बनी इसराइल के अंदर एक दिन की बात हुई थी किसको याद है सॉरी बनी इसराइल में नहीं सुर आले इमरान में सॉरी पिछले सेमेस्टर में आले इमरान में एक दिन करामात की बात हुई थी किसी को याद है जी सर जी थी हाँ जी तब मैंने आपको बताया था कि करामात का जो है वो अहले सुन्नत के अकीदे का हिस्सा है करामात जो है वो अल्लाह के नेक बंदों से शादिर होती हैं लेकिन उसके ज़ाहिर कुछ कवायद हैं और करामत उनके अपने इख्तियार में नहीं होती है वो अल्लाह की तरफ से उनकी तकरीम होती है वगैरह वगैरह तो अब यह सब कहा जो है जहर ये अल्लाह ताला के नबी तो नहीं है हम तो नहीं है ये तो अलिया है। अल्लाह हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं तो इनका ये जो मामला है ये किसी करामत से कम नहीं है करामत ही है तो फलियूशरबीदाजहर तो, तो, नुम ये किसी को तुम्हारे बारे में वला युश कुम अहदा तुम्हारे बारे में किसी को खबर ना दे इन नम क्यों खबर ना दे इसीलिए खबर ना दे कि इन नुमरुअ ये लोग जो कि काफिर हैं अगर तुम पर गालिब आ गए तो यजुम कुम तुम्हें रजम कर देंगे औ योदू कुम फ़ी मिल्ल हिम या तुम्हें अपनी मिल्त शिरकिया में लौटा देंगे और अगर तुम उनकी मिल्लत में लौट गए तो इजन अबदा अगर तुम उनकी मिलत में लौट गए तो कभी भी फलाह नहीं पा सकोगे क्योंकि फ़लाह और शर्क मतलब ये दोनों जमा हो ही नहीं सकते ये दोनों किस तरह जमा होंगे जो बंदा शर्क में मुब्तला हो गया वो दुनिया में भी फलाह उससे दूर है आखरत में भी फ़लाह उससे दूर है उसका कोई जो है वो कोई हाल नहीं है उसका वक़ाली का अखर नम्नावल्लाकुन तो जिस तरह हमने उनको नींद से उठाया इसी तरह हमने उनके ऊपर लोगों को मुतले भी कर दिया अब वो लेकर गया तो हाथ में जो सिक्का था वो सिक्का तो अब बंद हो चुका था वो सिक्का जो कि 309 साल पुराना सिक्का था वो सिक्का अब कहाँ चलता था वो तो अब बंद हो चुका था अब वो उधर पकड़ा गया पता चल गया कि भाई ये तो कोई या तो इसके पास कोई खजाना है या फिर ये किसी और वो जब लोग इकट्ठे हुए और मामला उनका खुला तो फिर ये पता चला कि भाई ये तो वो लोग हैं जिनका किस्सा मशहूर है वकदाली का आसर ना अलम और ये हमने ऐसा क्यों किया उन पर लोगों को मुतले क्यों कर दिया लियाू ताकि लोगों को यक़ीन हो जाए ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए कि अन्ना वाला हकन के अल्लाह का वादा सच्चा है अल्लाह का वादा हो कर रहने वाला है वह वा अन तला रही बफ़ी और क़्यामत क़्यामत का आना उसमें कोई शक नहीं है इदय तनाज़ाऊन बी नमर हम क्योंकि वो लोग आपस में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे अमर या तो असाब कहाफ के मामले में या फिर इधर मुराद बास बादल मौत है बास बादल मौत क्या उनका आपस में झगड़ा था कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला किस तरह उठाएगा सिर्फ रूहों को उठाएगा या जिसम भी दोबारा उठाए जाएंगे या जो है वो रूह और जसन दोनों उठाए जाएंगे क्या मामला होगा तो अल्लाह तला ने अाब कहफ को जगा के उनकी इस बहस का खात्मा कर दिया कि जो अल्लाह 309 साल तक सुलाने पर और सलामत रखने पर कादिर है वो मरने के बाद दोबारा उठाने पर भी कादिर है लियालमू अन्न बाद अल्लाह हक व अन्न الساعه ला रयब فيها इदिया تنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنيانا तो उन्ने फिर अब ये साबे का फिर वफात पा गए ये करामत के जाहिर होने के बाद फिर वो फौत हो गए तो फ़अलुबन बनियाना बास लोगों ने कहा कि इनके ग़ार पर दीवार तामीर कर दो इमारत एक बना दो रब आलम बिम इनका रब इनके बारे में ख़ूब जानता है क़ालज़ी गलब्रिम उन लोगों ने कहा जो कि उनके मामले पर गालिब हुए जिनका बस चला जो कि गलबे वाले लोग थे उन्होंने कहा ललत तिज्न अल मसजिदा हम तो ज़रूर ब ज़रूर बनाएँगे अल अला कहफिम क्या बनाएंगे मस्जिदा मस्जिद तामीर करेंगे क्योंकि ये अल्लाह परस्त लोग थे तो इनकी यादगार में मस्जिद तामीर होनी चाहिए अब जज़र है उन लोगों को जो के बगैर इल्म के बातें करते हैं आवाज आ रही है सबको में सब लोग जाग रहे हैं अच्छा जी, जी सैकूल ये लोग कहेंगे सलासतन हुम सलासत ये लोग तीन थे रा बम और इनका चौथा इनका कुत्ता था व वहुलम सतुन साद कलबुहम और बाज लोग कहेंगे कि ये लोग पांच थे और छठा इनका कुत्ता था ये जो सारी बात कर रहे हैं ये किस तरह बात कर रहे हैं किसी इल्म की बुनियाद पे किसी दलील की बुनियाद पे बात कर रहे हैं नहीं नहीं रजमम बिल गईब ये सारी रजम बिल गैब है रजम कहते हैं किसी चीज को ऐसे फेंकना ठीक है बगैर देखे किसी यानी कि आप एक तो होता है कि किसी चीज़ को आप एम करके और निशाना लेकर हिट करते हैं एक होता है कि आप इसी तरह आंखें बंद करके या इधर उधर देखते हुए कोई चीज़ फेंकते हैं इसको कहते हैं रजम तो रजमम बिल गईब यानी कि अंदाजे की बातें करना अंदाजे से बातें करना इंसान के पास कोई यकीनी दलील या कोई आ, जो है वो इल्म मौजूद ना हो लेकिन वो अंदाजे से तुक्के मार रहा हो तुक्के मारना ये आ, हमारी उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है पता नहीं ये पंजाबी का लफ्ज है या बहरहाल तुक्का मारना सुना है आपने ये लफ्ज कभी तुक्के लगाना या तुक्का मारना जी शे, जी शेख अच्छा वो बाज दफा इस तरह होता है कि कोई लफ्ज मकामी होता है और वो दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा होता शायद बाज दफ़ा ना इस तरह के अल्फाज भी होते हैं तो इसीलिए मैंने पूछा है तो माना यही है कि अंदाजे से बिला वजह बात कर रहे हैं इनके पास कोई दलील नहीं है वह सबात और बाज लोग ये कहते हैं कि वो सात थे वह था मिन और आठवा इनका कुत्ता था आप कह दीजिए रब बी आलम बेद्दत मेरा रब खूब जानता है इनकी गिनती को माँ या कलील और ये लोग नहीं जानते उनकी गिनती को माँ यादत माँ याम यानी के माँ याम इद्दत उनकी तादाद को नहीं लोग नहीं जानते इल्ला कलील मगर बहुत थोड़े लोग जानते हैं तो इब्ने अब्बास का मैंने आपको क्या कौल बताया था कल सर सात हाँ नहीं इबन अब्बास कहते थे कि अना मिनल कलील वो इन लोगों की गिनती को नहीं जानते मगर थोड़े लोग जानते हैं और मैं उन थोड़ों में से हूं जो इनकी गिनती को जानते हैं ठीक है तो असल में बात यह है कि इनकी गिनती जानने में फायदा कोई नहीं है इसीलिए यहाँ पर जजर है कि उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं कि जी उनकी तादाद क्या थी तो उनकी तादाद जानने में क्या फायदा है अगर उनकी तादाद जानने में कोई फायदा होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खबर दे देता तो असल जो उनकी उनके किस्से के अंदर जो इबरत की बात है जो सबक है उसके बजाय उनके अदद के बारे में बहस करना कि भाई उनकी तादाद कितनी थी उनके कुत्ते का रंग क्या था ये इस तरह की बातों में कोई फायदा नहीं तो उस पर जजर है ये तो इसीलिए कहा फला तुमारी फ़ीहिम आप हरगिज मत बहस कीजिए उनके बारे में फ़ी हिम उनके बारे में फी हिम उनके, उनके बारे में बहस मत कीजिए अला मरा अन ज़ाहिर मगर सरसरी गुफ्तगु वो यही है कि भाई ये अल्लाह के बंदे थे अपनी ईमान और दीन बचाकर नौजवान थे अपना ईमान और दीन बचाकर अपनी कौम से जुदा होकर गार में चले गए उधर अल्लाह ने सुला दिया और फिर अल्लाह ने उठाया लोगों को इन पर मुतले किया यानी कि वो बात जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसके बारे में ख़बर दी है अला मिरा अन ज़ाहरा वला तस्तफी फ़ी और मत सवाल कीजिए फ़ी इनकी बारीक बातों के बारे में इनकी जो छोटी छोटी तफसत है उसके बारे में पूछने की जरूरत भी नहीं है मिन हुम अहदा, यानी कि इन काफिरों से आप इनके बारे में ज्यादा तफसीलात पूछने की जरूरत भी नहीं है ना इनके साथ ज्यादा बहस करने की ज़रूरत है इस बारे में कि उनकी तफसीलात क्या थी अब जब असाब कहाफ के वाक को बयान किया तो पता ये चला कि जिस तरह सब कहाफ को मालूम नहीं था कि हमारे साथ क्या होना है तो आपको भी मालूम नहीं है कि आपके साथ क्या होना है तो ये अभी आगे भी बात आएगी इनशाला कहने की तो वला तकली शहीन आप मत कहिए किसी भी चीज के बारे में कि मैं जरूर करने वाला हूं जा यानी कि उस काम को गदा कल आने वाले कल में आप किसी चीज के बारे में ये मत कहें कि ये काम मैं कल करूंगा अला अय शाह अल्लाह मगर ये के साथ इन शाह कह दें कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं ये काम कल करूंगा क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो गैब की नफ़ी हो गई गैरुल्लाह से जी सर अल्लाह मगर ये कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं करूँगा वद कुर का इदा नसीता और अगर आप भूल जाए अपने अपने रब को मतलब इंशा अल्लाह कहना भूल जाए तो इदा नसीता आ, मतलब इज़ा नसीता जब आप भूल जाए तो वजबा का उस वक्त इनशा कह दें वकुल और यह भी कह दें कि आसा आशाई दिया अकरब मिनदा अल्लाह जरूर मेरी रहनुमाई कर देगा मेरा रब मेरी रहनुमाई जरूर कर देगा देगाब रशदम मिनहजा ज्यादा करीब चीज के जो जो हिदायत के अतबार से ज्यादा करीब तर हो मिन हाजा इस मामले से यानी कि अल्लाह ताला मेरी ज्यादा बेहतर मामले की तरफ रहनुमाई कर देगा अब ये अदब सवाल पूछ सकते हैं जी जी जरूर जरूर इनशा के बारे में क्या हुक्म है यानी ये सिर्फ आप उसी वक्त कहेंगे जब आप अपने बारे में बात कर रहे होंगे या आप किसी और को कह रहे होंगे कि तुम कर देना या इन ऐसा हो जाएगा या ये खास है कि जब आप अपनी बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तब आप इनशाला इस्तेमाल करेंगे नहीं मुस्तकबिल की किसी भी चीज के बारे में मुस्तकबिल के किसी भी मामले के बारे में ठीक है ये ये मैं के सहरे से जुड़ा हुआ नहीं किसी भी मुस्तकबिल की चीज के बारे में हाँ जहर है मुस्तकबिल के किसी भी मामले का इंसान को तो इल्म नहीं है ना जी बारक लोफिक सॉरी एक दूसरी छोटी सी बात थी इसी हवाले से जी जी पूछें यानी इस आयत को देखते हुए ये तो पता चलता है वाजे तौर पर आप जब खुद बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहें कि मैं ऐसा कर लूंगा आप कहेंगे मैं इनशाला ऐसा करूंगा लेकिन कई दफा ऐसा होता है आप कोई मैसेज भेजते हैं कोई बात करते हैं कि फलाना प्रोग्राम होने वाला है या फलाना प्रोग्राम दो घंटे के बाद शुरू हो रहा है तो अभी जो दो घंटे के बाद शुरू हो रहा है क्या इसमें भी आप इनशाला कहेंगे कह लिया जाना चाहिए ना वैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं एडमिन का काम कर रहा हूँ आप किस तरह की क्लास होने वाली है तो मैं अगर तो हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। जरूरी नहीं है क्या पता आ, जी, जी जो है वो क्लास में कोई रुकावट आ जाए जा कल जिस तरह हमारी क्लास नहीं हो सकी ना किस तरह कल और सब लोग बैठे हुए थे मैं भी तैयार बैठा था क्लास पढ़ाने के लिए लेकिन खद्दर अल्लाह को

असल में पहले मैं एक दूसरा मेरे पास ब्याज था जिस पर मैं पढ़ता था यानी कि ये वो अभी मैंने ये खोला हुआ सामने दूसरी तरफ भी लेकिन अब मैंने एक नया ब्याज लेकर तो उसके ऊपर मैंने शुरू किया है लिखना उसकी वजह यह है कि वो उसके ऊपर जगह बहुत कम रह गई थी तो मैं खुद भी पहले तैयारी करता हूँ तो जब मैं अपना ब्याज पे लिखता हूँ फिर उससे मैं पढ़ाता हूँ ठीक है तो ये बड़ा जबरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है ये और बड़ा मजा आता है जब इंसान देखता है ना कि मैंने जो है वो यानी कि ये या सारा तर्जुमा मैंने खुद लिखा है पढ़ा है उसमें कुछ साइड पे बंदा चीजें लिखता है कुछ किस जगह तो पे रब लिखता है तो ये इनशा आप लोगों को फायदा देगा ठीक है ये आप लोगों के लिए इनशा फायदेमंद होगा ठीक है दानियाल भाई ठीक है कोई बात नहीं अच्छा जी वलिन अभी अल्लाह तला उनके बारे में खबर दे रहा है कि ये लोग गार में कितनी देर रहे ये गार में रहे गलबी सूफी का फिम सला सामीन सिनना तीन सौ साल वजदा और, और बढ़ा दो नौ साल यानी कि ये एक शमसी एतबार से तीन सौ साल थे लेकिन कमरी एतबार से तीन सौ नौ साल थे शमसी एतबार से जब सौ साल गुजरते हैं तो कमरी एतबार से एक सौ तीन साल गुजर जाते हैं क्योंकि दिनों का दिनों का कुछ जो है वो फ़र्क होता है कुलिल्लाहु आलम बीमा आप कह दीजिए कि अल्लाह खूब जानता है बिमा लबिसु उस मुद्दत के बारे में जिस जो मुद्दत वो लोग रहे यहाँ पर गार की मुद्दत मुद्द मुद्द मुराद नहीं है बल्कि यहाँ पर वो मुद्दत मुराद है जो जिंदा होने के बाद की उनकी मुद्दत है बाकी रहने की क्योंकि जो गार की मुद्दत है वो तो पीछे बता दी ना सला समी नवजदूति कुल्लाम उबिस देखें दावा है अल्लाह खूब जानता है उनके अः रहने की जिंदा रहने की मकदार को उनके अः रहने की मदद को क्योंकि गैब गैब आसमानों और जमीन का गैब लहू उसी अकेले के पास है अब सिर भी ही वसम खूब सुनने वाला है खूब देखने वाला है और खूब सुनने वाला है मालूम मिन दूनी ही मिनली इन मा लहु मिनवली मिन दूनी ही और इन लोगों का अल्लाह के अलावा कोई भी मदद करने वाला नहीं है वला ही अहदा और अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी और को शरीक भी नहीं करता है हुक्म तकवीनी मुराद है अब अब जो है ना ये पीछे जो किस्सा एक बयान किया इस पर कुछ तफ्रियात होंगी तफ्रियात यानी के नतज कुछ रिजल्ट्स वत्लु मा उहिया मिन ला मिन आप तिलावत करते रहिए मा उहिया इलैका जो चीज आपकी तरफ वही की गई है मिन किताब रबिका वो माँ क्या है वो आपके रब की किताब है इस मिन को क्या कहते थे हम सर मिन बयानी फिकुम यानी कि माँ पीछे मौसूल है ना माँ ऊहिया या का उस चीज की तिलावत करते रहे हैं जो आपकी तरफ वही की गई है वो क्या है वो मिन किताब रब्बी का वो आपके रब की किताब है ठीक है उस माँ मौसूला का बयान है क्योंकि माँ का मतलब है जो माँ का मतलब है जो लेकिन अब वो जो क्या है उसकी वजाहत ये मिन बयानिया के जरिए हो रही है ये मिन बयानिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि असल आ, आ, कई तर्जुमा करने वाले जो है वो गलती करते हैं कि मिन बयानिया का तर्जुमा भी से, से कर रहे होते हैं हालांकि ये दुरुस्त नहीं है इसका तर्जुमा करने की अलग से ज़रूरत ही नहीं है मिन की तो इसका तर्जुमा कैसे होगा वतलू मा ऊले का मिन किताब यूरोबी का तिलावत कीजिए उस चीज़ की जो आपकी तरफ वही की गई है आपके रब की किताब वो जो आपकी तरफ वही की गई है वो क्या है वो आपके रब की किताब है ला मुबदली कलीमाती ही और अल्लाह के कलेमात को यानी कि इस किताब को कोई तब्दील नहीं कर सकता वलंतजीदा मिंदूनी मुल्ताहदा और आप नहीं पाएं पाएंगे वलंतजीदा और हरगिज नहीं आप पाएंगे मंदूनी ही अल्लाह के अलावा मुलता कोई भी जाय पनाह अल्लाह के अलावा आप कोई भी जाए पनाह नहीं पाएंगे अच्छा जी दूसरी तफरी कि आपने देखा कि अल्लाह ताला ने किन लोगों को इज़्ज़त दी ये साहब कहा को अल्लाह ने इज्जत दी करामत दी उनके रुतबे को बुलंद किया उनको दुश्मनों के शर से महफूज रखा उनके ज़िक्र को ज़िंदा रखा और दुश्मनों से भी हिफाजत की उनकी लाशों की ला, उनकी उनके जिस्मों को भी ख़राब नहीं होने दिया उनके कुत्ते की भी हिफाजत की तो ये सब कुछ अल्लाह ने उनके साथ किया ईमान और अमले साले की वजह से तो आप भी लोगों के माल की तरफ मत देखे लोगों के माल की तरफ लोगों के स्टेटस की तरफ लोगों की आ, जो है वो टीप टाप की तरफ और उनके जो आ, बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा बड़ा जबरदस्त किस्म का लाइफ स्टाइल ये चीजें आपकी आंखों को खीरा ना करें समझ आ रही है जी जी, जी। तो वसबिर नफसा का मदी नून और आप अपने आप को रोक कर रखें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर वस नफ्सा का ये आयत मुझे बड़ी पसंद है ये अजीब इनके अंदर रूहानियत है इन आयत के अंदर वसबिर नफ्सा का रोक कर रखिए अपने आप को किसको कहा जा रहा है अल्लाह के नबी अलैहि सल्लतु नबीम को किन के साथ रोक कर रखिए मदी नून और अबाहम उन लोगों के साथ के जो अपने रब को पुकारते हैं बिलगदाती वल जी सुबह और शाम यानी कि वो लोग जो कि सुबह और शाम अपने रब का जिक्र करते हैं अपने रब से दुआएं करते हैं उनके साथ अपने आप को रोक कर रखिए युरीदू ना वजह और ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रजा चाहते हैं अल्लाह के चेहरे को देखने की उम्मीद रखते हैं वला ताद ना का अनहुम और आप की आंखें इन लोगों से तजावुज ना करें तुरी नयात दुनिया क्यों तजावुज ना करें क्योंकि ये तो गरीब लोग हैं ये तो मस्जिद सुफ़ा सुफ़ा के चबूतरे पर पढ़ने वाले गरीब तालब इल्म हैं इनके पास तो क्या है इनके पास ना बहुत बड़ा बंगला है ना इनके पास बहुत बड़ी गाड़ी है ना इनके पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है इनके पास तो क्या है ये सूफी किस्म के दरवेश लोग हैं दीन के तलबा हैं इनके पास एक अल्लाह है एक अल्लाह का रसूल लेकिन अगर आप इनसे इनको अगर आप इग्नोर करें इस वजह से कि तुरदुजीनत दुनिया आप दुनिया की जिंदगी को चाहने लग जाए अगर तो यह ठीक नहीं है वाला तो मन अग फल ना कल बहू अंद्रीना और आप इतात मत करिए उस शख्स की मन अगफल ना कल बहू अमदिक्रीना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से अप, अपने जिक्र से यानी कि कुरान से गाफिल कर दिया है वह तबाह तो जब वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया है मुराद ये है कि जब वो कुरान की इतबा नहीं कर रहा तो जब एक शख्स कुरान की इतबा नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली उसके पास क्या चीज बाकी रह गई फिर वो किस चीज की इतबा करेगा मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात भी एक दफा कि इंसान या तो वही की इतबा करता है या फिर अपनी ख्वाहिशात नफ्स की इतबा करता है तो यही दो चीजें जो शख्स वही की इतबा नहीं कर रहा वो डेफिनेटली वो अपनी ख्वाहिश की इतबा कर रहे हैं अपनी ख्वाहिश की या किसी और की ख्वाहिशात की पैरवी कर ठीक है जी दो ही चीजें हैं या वही की इतबा है और जो वही की इतबा नहीं है वो ख्वाहिशात की इतबा है बात समझ आ गई आपको जी सर जी सर वो जी आ, हाफिज इब्ने कयम रही का एक उनकी एक पोएम है नूनिया उसको कहते हैं तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया एक बड़ी जबरदस्त बात के फर्रु मिनर्रदी खुल फर्रु मिन्रदी खुलू व बुलू बफसी वी पानी के वो लोग जो कि अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे अल्लाह की इबादत से भागे रिक कहते हैं गुलामी को तो फर्रु वो भागे मिनर्रिक़ किल्लदी खुल गुल लहू उस गुलामी से भागे कि जिसके लिए वो पैदा किए गए थे अल्लाह की गुलामी से बचे अल्लाह की अबूदीत अल्लाह की बंदगी में आने से भागे व बुलू व बेसानी तो नतीजा ये निकला कि अपने नफ्स की और शैतान की गुलामी और बंदगी में जा पड़े तो बंदगी तो है बंदगी और ग़ुलामी तो है तो अल्लाह की बंदगी और गुलामी नहीं की तो क्या हुआ क्या आज़ादी मिल गई नहीं 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 आज़ादी कैसे मिल गई फिर अपने नफ्स की और शैतान की बंदगी तो इंसान खुद देख ले कि कौन सा आका बेहतर है ये लोग जो के शरीयत की पाबंदियों से आज़ादी की बात करते हैं हमारे सेकुलर्स हमारे लिबरल्स और हमारे माशरे के अंदर मौजूद है इस तरह के लोग वो शरीयत की शरीयत से आज़ादी की बात करते हैं लेकिन क्या वो शरीयत से आज़ाद हो के आज़ाद हो जाते हैं क्या आज़ादी उनको मिल जाती है नहीं सर नहीं नहीं आज़ादी नहीं मिलती फिर या वो मगरब की गुलामी करते हैं और मगरब की गुलामी कैसे करते हैं कि वेस्ट से आने वाली हर चीज़ जो है उसको वो ग्लैमराइज़ करते हैं उसको कॉपी करते हैं फिर वो अपने नफ्स की गुलामी है शैतान की गुलामी है और वो कुफ़ार की गुलामी है वो मीडिया हाउस की गुलामी है और वो बहुत सारी चीज़ों की गुलामी है तो हकीक़ी आज़ादी ये है कि इंसान तमाम ग़ुलामियों से निकल के अकेले अल्लाह की ग़ुला में आ जाए इसी के लिए इंसान को पैदा किया गया है बहरहाल ये बात और तरफ निकल गई यहाँ पर देखिए वला तो अगफलना कल बहू अन विक्रीना उसकी इतात मत कीजिए जिसको जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है वह तबाह हवा हो जब उसके पास अल्लाह का कुरान नहीं रहा तो है फिर उसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी करनी है वकान अमरू हु फ़ुरु और उसका मामला हद से तजावुज किया हुआ है मुतजावज हद से तजावुज किया हुआ वकुल हक वब्बिकुम आप कह दीजिए हक तो मेरे रब की तुम्हारे रब की तरफ से है अफलिम वनशाह अफल यखुर तो पस जो चाहे वो ईमान ले आए और जो चाहे वो ईमान ना लेकर आए और कुफर कर ले यानी नारन लेमनशाह अफलहा बेशक हमने तैयार कर रखा है जालिमों के लिए यानी कि ये या जो कुफर करेंगे ये जालिम है और इनके लिए हमने तैयार कर रखी है ऐसी आग के अहाम घेर लेगी इन लोग इन लोगों को सराद कोहा उस आग की कनातें, उस आग की चादरें इनको घेर लेंगी वही यगीसू और अगर ये पानी तलब करेंगे तो युवा सू बीमा इन कल मोहल इनको पानी दिया जाएगा तलछट की तरह का या पिघले हुए तांबे की तरह का यशविल वजूह और वो ऐसा होगा कि वो चेहरों को भून डालेगा शराब वो किस कदर बुरा ये पीना है किस कदर बुरा मशरूब है वसात मुतफ़ा और कितनी बुरी आराम की जगह है आराम तो यहाँ पर है नहीं यानी कि कितना बुर, बुरा जो है वो ये ठिकाना है जहन्नम अच्छा अब ये जालिमों के साथ तो ये होगा तो जो ईमान लाएंगे उनके साथ क्या होगा तस्करा होना चाहिए या नहीं होना, होना चाहिए होना चाहिए जीस बेश जो ईमान लाए इन

कुछ पता चला उसमें कोई नई बात आपको पता चली जी जब साले चला पैदा होने के सबाब पड़े थे उसमें एक था फराख दिली एक था तकवा दुआ और अकल नहीं, 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 अकल नहीं, नहीं, मेरा ख्याल हलाल अकल हलाल नहीं आप मेरा ख्याल है आपने कोई और चीज उसमें से पढ़ी है ये मेरा ख्याल है अमल साले की कबूलियत मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही आज बहुत दिन ठीक है बाकी लोगों को आवाज आ रही है सही जीज़ामेगे। 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 चले, मेरा ख़्याल आपके इंटरनेट का कोई इशू होगा ठीक है जी बहरहाल चले आप लोग देखिएगा वो आ, मैं इनशाला देखूंगा कि उसमें बेशक हम जया नहीं करेंगे अजरमन अहसना अजर उन लोगों का जिनका अहसन अमल है उनके अज़र को हम उनके बदले को जाया नहीं करेंगे उला हम जन्ना तो बदला क्या है वो ये है कि इन लोगों के लिए जन्ना तो ऐसे बागात हैं जो हमेशा रहने वाले हैं तजरी मिनतख तिमुल अनहार और बहती हैं मिनतःतिम मिनतःती अश जा रिम उनके दरख्तों के नीचे से नहरें बहती हैं यू हल्लाफी और ये पहनाए जाएंगे जन्नत वाले ये मर्दों के लिए आपको पता है दुनिया के अंदर सोना जायज़ नहीं है लेकिन आखरत में जो है वो जन्नत के अंदर इनशाला पहनेंगे यूह नफी और ये पहनाए जाएंगे उस जन्नत में मिन असाविरा मिन जहा ऐसे कंगन जो के सोने के होंगे वयलबसून थ थियाबन और ये पहनेंगे ऐसे कपड़े के खुजरन जो सब्ज रंग के होंगे और जन्नत के अंदर मर्दों के लिए रेशम पहनना जायज़ नहीं है लेकिन आखरत में पहनेंगे युद्ध खुदरम मिन सुंदुसिन और ये सब्ज लिबास ऐसा होगा कि नरम रेशम का होगा खवातीन का नाम भी होता है सुंदुस। वह इसबरक और मोटे रेशम का यानी कि ये रेशम की दो किस्में हैं सुंदुसिन व इस तबरक मुतकीा अल एक और टेक लगाए हुए होंगे अपने अपने सोफों पर अलरा एक अरिकत उनकी जमा है तख्त अब ज़ाहिर है करने को कुछ नहीं है करने को क्या है उधर कौन सी असाइनमेंट्स करनी है कौन से क्विज करने हैं और ना ही खातिन ने किचन के काम करने हैं ना बर्तन धोने हैं ना कपड़े धोने हैं ना घर की सफाई करनी है ना कपड़े इस्तरी करने हैं और मर्दों ने कोई कमाने के लिए नहीं जाना और कोई इस तरह के कोई काम नहीं है। फिर उधर क्या है फिर मुत्त इन फी उधर तख्तों पर बैठे हैं और गपशप चल रही है बात चल रही है या फिर मुलाकातें करेंगे अम्बिया से मुलाकातें कर रहे हैं सहाबा से मुलाकातें कर रहे हैं तबइन से मुलाकातें कर रहे हैं और मुहदसिन से मुलाकातें कर रहे हैं अपने बुजुर्गों से मुलाकातें कर रहे हैं तो बड़ा कुछ है वहाँ पर करने के लिए मुतकी नमत वसूनत मुतफ़ा किस का दर बेहतरीन बदला है नहमत सवाब किस कदर बेहतरीन अजर है वह हसूनत मुतफ़ा और किसका दर जबरदस्त आराम की जगह है तो अब ये दोनों ग्ररोहों का तस्करा कर दिया अल्लाह हमें जन्नत वालों में शामिल करे वरबिलानी जालना जन्नत बुमा जरा अब ये दुनिया परस्तों की एक मिसाल दुनिया परस्तों की और आखरत परस्तों की एक मिसाल का बयान वरबल ए नबी अलैहि वसल्लम इन लोगों के लिए इन लोगों के लिए बयान कीजिए मसलन मिसाल एक बयान कीजिए रजुलैनी दो मर्दों की दो लोगों की जअलना जन्नतैन मिन आनाबिन के उनमें से एक को हमने दे रखा था एक को हमने दे रखे थे दो बाग अच्छा उन दो में से एक जो था वो दुनिया परस्त था एक जो था वो अल्लाह परस्त आखिरत परस्त था तो उनमें से जो दुनिया परस्त था उसके पास दो बाग थे और बड़े जबरदस्त किस्म के बाग थे उसकी कैफियत क्या थी बाग की वो देखें जन्नति मिन आनाबिन दो उसके पास अंगूर के बागात थे हुमा बिन अखलिन जरा तस्वर करें बाग दो अंगूर के हैं और उन बागों के इर्द गिर्द खजूर के दरख्त हैं और वजअलना बैनहुमा हुमा जरा और उन दोनों बागात के दरमियान में उसकी खेतियाँ थी किलतल आतत आत और ये दोनों बाग अपना पूरा फल देते थे बाग भी ऐसे थे जो अपना पूरा फल देते थे वलम तजलिम मिन आ और जरा भी उस उस आ, फल में से जरा भी कमी नहीं करते थे नक्श नहीं करते थे कमी नहीं करते थे वफत जरना खिला लहुमा नहरा। और फिर हमने उन दोनों बागात के दरम्यान एक नहर भी जारी की हुई थी वका न लहूस और इस शख्स के लिए बहुत सारी पैदावार थी अब आपने देख लिया क्या मंजर कैसा कैसा मंजर है जी विजुअलाइज कर लिया इमेजिन कर लिया आजकल वो आए हुए हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाते हैं कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें तो वो बना के तो दिखा देता तो मेरे जहन में आया कि मैं ये चेक करूंगा <laughs> ये डिस्क्रिप्शन लिख के चेक करेंगे कि कैसा मंजर बनता है लेकिन ये है कि एक बड़ा जबरदस्त मंजर है ये और जबरदस्त किस्म के उसके पास बाग़ात हैं फ़कली ही अब अपने साथी को कहने लगा वह हुआ उससे बात कर रहा था अन अख्तरु मिनका मालमरा देखो मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूँ और मैं जमात के अतबार से मेरी जमात तुमसे ज्यादा मतलब मेरे मेरे चमचे कड़छे या मेरे साथ जो मेरे हवारी हैं वो तुमसे ज्यादा मजबूत हैं चलें ये अभी एक मिनट रह गया ये मीटिंग खत्म होती है तो इनशाला दोबारा इसी लिंक से सब लोग ज्वाइन कर लें वो दखल जन्नता गौलि नफसी ही ये अपने बाग़ में दाखिल हुआ इस हाल में कि अपने ऊपर जुल्म करने वाला था मतलब कुफर की वजह से और तकबर और उजब की वजह से खुद पसंदी उजब तकबर कॉला अब उसकी बात सुने कॉला मा अजुन्नु अन तबी ही अबदा मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी भी जाया कभी भी तबाह बर्बाद होगा मैं नहीं समझता मा अजुन्नु अन तबी ही अबदा हादि ही यानी कि हाद हिल जन्नतु मा अजुन्नु अंत बी हिल जन्न अबदा मैं नहीं समझता कि ये बाघ कभी भी तबाह बर्बाद होगा ये अब क्या है ये है मादा परस्ती मादा परस्ती मैटीज़म सिर्फ मादी इसबाब पर निगाह अब जब आपकी निगाह सिर्फ मादे पे होती है तो फिर आपकी मैटर से और मादे से बियॉन्ड आपकी निगाह जाती नहीं है फिर अल्लाह कहाँ से आ गया आपकी क्वेश्चन में फिर क्या खालिक और क्या कादिर और क्या मालिक फिर इंसान यही देखता है कि मेरे पास ये ये असबाब हैं मेरे पास इतना बैंक बैलेंस मौजूद है मेरे पास इतने ताल्लुक मौजूद हैं फिर उसकी इक्वेशन जो है वो अल्लाह ताला से खाली होती है तो अब ये उसकी बात पे आप गौर कर लें माँ दी अब अबदा ये सूरह कहफ पढ़ रहे हैं तो इससे कुछ हमारे अंदर ना कुछ रूहानियत पैदा होनी चाहिए वैसे तो पूरे कुरान से ही लेकिन आ, ये सूरत जो है इसको चाहिए इस सूरत की वजह से कुछ हमारे दिल पर असर होना चाहिए कुछ हमारे अः हमारे जो वर्ल्ड व्यू है उसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए कुछ हमारी हमारे अफकार में कुछ फर्क जो है वो पड़ना चाहिए कॉलमा अजुनु तबीद हादी ही अबादा वमा अजुनु सा आता इमा और मेरा ख्याल है कोई क्या श्यामत भी नहीं आने वाली वाह 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 क्या बात है मेरा बाग भी तबाह नहीं होगा और क्यामत भी नहीं आएगी देखें कि किस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये इस तरह की बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है क्या वजह है आपका क्या ख्याल है कि इसके पीछे क्या वजह है इतनी बड़ी बड़ी बातें जो ये कर रहा है इसके पीछे सबब क्या है क्या ख्याल है आपका सर मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म यानी कि उसको अल्लाह ताला ने, मा, तो ने माल दिया ना माल दिया माशाल्लाह दो बाग हैं उसके पास इतने जबरदस्त किस्म के पैसा है ना पैसा बोलता है अब उसके पास दो इतने जबरदस्त किस्म के बाग हैं तो आप ये देखें कि उस अल्लाह की नेमत की वजह से उसका जो यानी कि वो वो इस इस हद तक पहुंच गया है कि वो कह रहा है कि भाई ये बाग कभी तबाह नहीं हो सकते और क्यामत क्या होती है क्यामत कभी भी नहीं आएगी हाँ और अगर आ भी गई आगे सुने अगर आ भी गई वल इला रबी और अगर मुझे लौटा भी दिया गया मेरे रब की तरफ तो लाजीदिनका तो मैं इस बाग से बेहतर बाग आगे मुझे मिलेगा पलट कर मुनकलबा यानी कि पलटने के अतबार से इस दुनिया में जो मुझे मिला है आखिरत में मुझे इससे जबरदस्त मिलेगा क्यों क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूँ अगर मैं अल्लाह का महबूब ना होता तो दुनिया में मुझे इतना जबरदस्त बाग मिलता नहीं भैया कैसे हो सकता तो चूंकि मुझे दुनिया में अल्लाह ने इतना जबरदस्त बाग दिया है तो आखिरत में अव्वल तो ये कि आमत आएगी नहीं अगर आ गई तो मुझे इससे बेहतर बाग मिलेगा ये सब कुछ वो किसे कह रहे हैं वो अपने माड़े साथी से दूसरे भाई से कह रहा है अब वो इसको सिर्फ समझा रहा है

अच्छा अगर तू कुफर करता है तो करता रह ला किन रब्बी लाकिन ना यानी लाकिन अना ये असल में है लाकिन अना हु अल्लाह रब्बी यानी कि तू अगर कुफर करता है तो करता रह बल्कि लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मेरा तो ये अकीदा है कि हुबी वो अल्लाह मेरा रब है वाला उशरिक रब्बी अहादा और मैं अपने रब के साथ और किसी को शरीक नहीं करूँगा अब उसको समझा रहे वलउला कुल तमाशाह अल्लाह वलऊला कुल तमाशाह अला तो, तो है आपकी वलौला कुल तमाशाह दखल दखलता जन्नत का ये असल इस तरह है यानी के लऊला असल में क्योंकि लउला फेल पर दाखिल होता है लऊला फेल पर दाखिल होता है तो असल में इस तरह है कि वलउला कुल तमाशाह इस दखल त जन्नत का जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुम माशा अल्लाह क्यों नहीं तुम कहते मतलब जब तुम अपने बाग में दाखिल होते हो तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय ये तो इसको कभी भी तबाह नहीं होगा ये बाग तो मैं बड़ा माल के अतबार से भी ज्यादा हूं मैं मेरे चमचे कटछे भी तुमसे ज्यादा हैं और ये बाग कभी तबाह भी नहीं होगा क्यामत भी नहीं आएगी अगर आ गई तो मुझे इससे अच्छा ये इस तरह की बातें करने के बजाय तुम अल्लाह की मशीयत के हवाले क्यों नहीं करते इसको

बेहतर तुम्हारे इस बाग से दुनिया में भी और आखरत में भी दुनिया में भी अल्लाह मुझे तुमसे बेहतर दे सकता है और आखरत में बिलयीन दे देगा वयर सिलाई समाई और भेज देगा तुम्हारे इस बाग पर आसमान से कोई आफत फतुस भी है सीदला तो बस ये हो जाएगा सीदलाका एक हमवार मैदान चटियल मैदान यानी कि ये सारा बागात ये एक अंगूर के खजूर के दरख्त और दरमियन में खेती और दरख्तों के नीचे से नहर भी जारी है ये सब कुछ और फल से लदे हुए दरख्त इनकी जगह एक चटियल और हमवार मैदान रह जाएगा अवयुस भी हम उहा गौरा। या फिर हो जाए इसका पानी इतना गहरा फलन तलाबा और तू इसता ही ना रखे उस पानी को निकालने की यह भी हो सकता है कि इसको अल्लाह तस्मानी आफत के जरिए तबाह कर दे ये भी हो सकता है कि इसके पानी को अल्लाह तला खुश कर दे और फिर तू पानी ही ना निकाल सके अपने बागात को पानी देने के लिए अब क्या हुआ अब आ, हुआ ये कि वही तभी हमारी ही इसके बाग अपने फल समेत घेर लिए गए आफत आ गई इसके फल पर इसके बागों पर फसबाह युकलबू कफ़ई ही बस ये हो गया अपनी हथेलियाँ मल मल रहा था अफसोस का इजहार कर रहा था अफसोस का इजहार करते हुए इंसान कभी ऐसे करता है कभी ऐसे करता है कभी ऐसे युकलोकफ ही को हम कहते हैं अरबी उर्दू के अंदर हम मुहावरा भी बोलते हैं हथेलियाँ मलना सुने आपने ये मुहावरा उर्दू में हथेलियां मलता रह गया सुना होगा असल में आप जो है वो बहुत सारे लोगों की उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन माशाल्लाह आप सब लोग तो समझदार लोग हैं अमूमन यंगस्टर्स के अंदर ये चीज होती है कि तो उनकी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं होती तो आ, ही अला मा आला फ़ीहा उस माल पर के जो उसने खर्च किया था इस बाग में उस पर अब अफसोस कर रहा था अपनी हथेलियां मल रहा था और बाघ की हालत क्या थी वही तो नला अपनी छतों के बल जो है वो उल्टा गिरा हुआ था यानी कि वो तबाह हुआ पर, पड़ा था और ये बंदा फिर कह रहा था वही लई तीलम उदा ए काश अकाश मैंने अपने रब के साथ शिरक ना किया होता मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता वलम तकुल्ल लहु फी अतुन सुरु नहु मिंद वमा का न मुंतरा अब वलम तकुल्लहु इसके लिए कोई भी नहीं था फी अतन कोई भी ऐसी जमात के यन शुरू हो इसकी मदद कर सकती मिंदी अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए वमा का न ना ही कोई जमात ऐसी थी जो इसकी मदद कर सकती ना ही यह खुद अल्लाह से कोई बदला ले सकता था हुना लिकल वलायतुल्लाक हुना लिकल वलायतु और मदद करना मदद करना और हाजत रवाई करना लिल्ला ही अल्लाह ही के इख्तियार में है जो कि अलक है और हुनाली का ऐसे मौके पे ऐसे वक्त में तो फिर मदद तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है जो कि अलक है और हुआ खैर सवाब हुआ खैर उनकबा और अल्लाह ही बेहतर है बदला देने के अतबार से और अल्लाह ही ज्यादा बेहतर है अनजाम के अतबार से यानी कि अल्लाह ही ज्यादा बेहतर आकबत इंसान का अनजाम अल्लाह ही के हाथ में है और वही उसको बेहतर कर सकता है और अच्छा बदला भी अल्लाह ही दे सकता है अभी आपने देखा इस पूरी मिसाल के अंदर खुलासा यही है कि तजहीद फिर दुनिया व तरगीबिल आखिर या फिर मादा परस्ती पर रद मादा परस्ती पर रद मादे को मैार समझना इज़्ज़त और जिल्लत का और ये समझना कि अगर मुझे अल्लाह ने दुनिया में दिया है तो आख़रत में भी मुझे ही देगा या ये समझना कि क्यामत तो आएगी ही नहीं अगर आ गई तो मुझे आख़रत में और भी बेहतर मिलेगा या फिर ये समझना कि ये मेरे पास जो माल है ये कभी भी तबाह बर्बाद नहीं हो सकता या जिस अल्लाह मेरे से वापस नहीं छीन सकता ये सब बातें इन सब बातों पर रद्द है और उसका जो है वो अंजाम बताया है कि क्या नतीजा क्या निकला अब आगे एक मिसाल बयान है दुनिया की जिंदगी की मिसाल वज्रबल दुनिया आप इनके लिए बयान कीजिए दुनिया की जिंदगी की मिसाल और वो कैसी है कमा इन जिस तरह पानी हम आसमान से नाजिल करते हैं फखला तभी ही नबातुल अर्दी फलत अबी ही नबातुल अर्दी अब ये देखें जिस तरह पहले कई जगहों पर गुजरी है ये कई जगहों पर अल्लाह तला ने वही की मिसाल दी थी बारिश के जरिए यहाँ पर रूह की मिसाल दी है बारिश के साथ तो जिस तरह बारिश उतरती है अव्वल तो ये कि बारिश किसी के इख्तियार में नहीं है इसी तरह रूह का आना जाना किसी के इख्तियार में नहीं है इसी तरह बारिश से ज़िंदगी होती है रूह से ज़िंदगी होती है इसी तरह बारिश कम होगी या ज्यादा होगी इसका किसी को पता नहीं है इसी तरह ज़िंदगी रूह जो है वो ज़्यादा रहेगी इंसान के जिसम में या कम रहेगी इसकी किसी को खबर नहीं कई एतबार से दोनों में जो है ना वो मुशाबहत है वजहत दुनिया जरा के लिए बयान कीजिए आखरत की दुनिया की जिंदगी की, की मिसाल वो क्या है कमाजल ना उस पानी की तरह जिसको हम आसमान से नाजिल कर दें फल तबी नबातल पानी के जरिए ज़मीन की जो ज़मीन की जो अः नबातुलर्ज ज़मीन की बूटी जमीन की अः क्या कहते हैं उसे पैदावार जमीन के पौधे वो उग जाए अब कुछ अरसा गुजरा कुछ अरसा गुजरा वो बाग और वो खेत जिसको आपने लहलहाते हुए देखा था आप कुछ अरसे बाद वहां से गुजरे वहां पर क्या है वहां पर भूसा पड़ा हुआ है उसको हवा कभी उड़ाकर इधर ले जाती है कभी उड़ाकर इधर ले जाती है उधर रेजा रेजा ज़र्रात के अलावा कुछ नहीं है ऐसा होता है जी सर इसी तरह आपने मुलाकात की किसी खट्टे कट्टे नौजवान से छु छः फुट उसका कद है और चोड़ी उसकी छाती है और जब वो इंसान से मुसाफा करता है तो इंसान का हाथ जो है वो दुख जाता है इस कदर वो जान में है और दो तीन महीने बाद जब आप पहुंचे और आपने पूछा कि जी फुला किधर है तो पता चला वो तो अचानक से अटैक हुआ या अचानक से एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ और अब वो कबर के अंदर है ठीक है तो तजर्रिया रिया, हाशी शीमन, फिर रेजा रेजा हो गया तजरू रिया और उस जमीन की पैदावार को हवाएं उड़ाई उड़ा ले फिरती हैं हवाएं उड़ाई फिर उड़ाए फिरती हैं वक़ान अल्लाह मुखद और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है अब ये आगे मज़द उसी मजमून का तसलसल है अलमाल जीनतुल हयातिक दुनिया ये माल और बेटे बनूना जी नयात दुनिया ये तो दुनिया की जिंदगी की नुमाइश है बलबाक़ियात सलहत खैर इंदा रब्बी का सवाबम वन अमला वलबाक़ियात साल तो और बाकी रहने वाली बाकी रहने वाली नेकिया खैरुन इंदा रब्बी का सवाबन वो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे रब के यहाँ सवाबन बदले के एतबार से व वैर अमला और ज्यादा बेहतर है उम्मीद के एतबार से

बाकी रहते हैं मरने या जिसको इल्म दिया हो कोई जिसको इल्म दिया गया हो कोई चले अच्छा इसमें बाकी आपके सब के जवाब भी ठीक हैं लेकिन इसका एक खास मिसदाक जो है ना वो वो कलेमात हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका थवाबन व खैरुन अमला एक सेकेंड मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं शायद किसी को फायदा हो जाए आ... अलबाकिया सवाहत जो है ना ये आ... ये मैंने आपके साथ एक शेयर किया प्ले लिस्ट इसमें सुबहानल्लाहमदुल्लही वाला अकबर असल में इन कलिमात को अल्लाह के नबी अलैहि आल सलातम ने अबाक़ियात सालिहात करार दिया है तो आ, इन कलिमात के ऊपर जो है ना वो कुछ यानी कि मैंने सिलसिला शुरू किया वह उसके ऊपर इन कलिमात के मानी और वगैरह वगैरह कुछ बातें इसके अंदर है तो अलबाकियात सालिहात का वैसे तो माना अमूमी है अमूमी माना है के बाकी रहने वाली नेकियां लेकिन इनका खास जो मिस्ताक है जो अहदीस के अंदर जिक्र हुआ है वो ये कलेमात हैं सुबहान अल्लाह वलहमदुल्लाह वला इलाहाल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पांच कलेमात हैं ठीक है वैसे अमूमी माना के एतबार से तमाम नेक आमाल इसमें शामिल हैं बात समझ आ गई सबको जी सर वखैरुन अमला और ज्यादा बेहतर है उम्मीद के अतबार से ये उम्मीद किस दिन है ये आगे उसका तस्कर है ये उस दिन है अगर आगे क़ियामत का तस्कर है तो बारकल्ला हफीक इनशाला कल मुलाकात होती है असल वरह वर्का